हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीलेश शर्मा। हॉर्टिकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम आईसीआर नेट के अकॉर्डिंग एक नेक्स्ट क्रॉप पढ़ेंगे जिसका नाम है ओकरा। तो आइए ओकरा पढ़ते हैं। ओकरा का बोटनिकल नेम सभी को पता है, एबल मस्कस एस्कुलेंटस। राइट, फैमिली मालवेसी। क्रोमोसोम नंबर 130 है। देखो, वेजिटेबल में सबसे अधिक क्रोमोसोम नंबर ओकरा के ही है। इसके अलावा फिर स्वीट पोटैटो का आ जाते हैं 90। ओरिजिन ओकरा का इथोपिया, कई बार अफ्रीका भी दे देता है। तो राइट आंसर इथोपिया या फिर अफ्रीका। राइट, ओफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, हर्बेशियस प्लांट है और मेनली रेनी सीजन क्रॉप है। देखिए, ओकरा दोनों सीजन में लगाए जाते हैं, समर सीजन में भी, रेनी सीजन में भी। तो इसकी मेन सीजन कौन सी है? रेनी सीजन। इस इट मीन्स क्या होगा कि रेनी सीजन में इसकी सीड रेट कम होगी, यील्ड ज़्यादा होगी। राइट, तो ये इसकी मेन सीजन क्रॉप है। आप सभी को याद होना चाहिए, ओकरा एक इम्पोर्टेंट क्रॉप है नेट के अकॉर्डिंग। अब आ जाते हैं सोइल एंड क्लाइमेट। तो देखिए, आइडियल सोइल सोइल पीएच क्या होगा इसका? 6 to 6.8। राइट, मतलब ये भी स्लाइटली एसिडिक सोइल को फेवर करती है। वार्म सीजन क्रॉप है। इसके अलावा इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बेटर टेम्परेचर कौन कितना होता है? 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। और अगर टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव हो जाता है तो उसमें से कौन सी दिक्कत आने लगती है? फ्लावर ड्रॉप की। राइट, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है? 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। राइट, इफ़ अ टेम्परेचर रेंज है 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड इज़ डिज़ायरेबल फॉर इम्प्रूवड पॉलिनेशन एंड सब्सिक्वेंट सीड सेटिंग। राइट, सीड सेटिंग के लिए कितना टेम्परेचर सुटेबल रहेगा? 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कितना टेम्परेचर आवश्यक होगा? 24 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। वार्म सीजन क्रॉप है। राइट, इसीलिए टेम्परेचर इतना हाई तक जा रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं सोविंग टाइम, सीड रेट एंड स्पेसिंग। तो देखिए, अभी हमने डिस्कस किया था कि समर क्रॉप समर सीजन में भी लगाई जा सकती है, रेनी सीजन में भी लगाई जा सकती है। अब देखिए, स्प्रिंग या समर क्रॉप को लगाते हैं फेब्रुअरी मार्च में। राइट, और एटमन या विंटर क्रॉप को लगाते हैं जुलाई से लगा के सितंबर तक के बीच में। आप कभी भी इसको लगा सकते हैं। तो रेनी सीजन में अगर इसको लगाना हो तो जून जुलाई में, विंटर सीजन में लगाना हो तो अगस्त टू सितंबर। हिली रीजन में इसकी सोइंग टाइम रहेगी अप्रैल टू जून, अप्रैल से जून के बीच में आप कभी भी इस क्रॉप को लगा सकते हैं। आप देखिए, स्प्रिंग या समर क्रॉप जो रहती है उसमें मेजर प्रॉब्लम आती है सीड जर्मिनेशन की। राइट, और रेनी सीजन में मेन प्रॉब्लम क्या आती है? तो इसमें मेजर प्रॉब्लम आती है येलो वेन मोजेक वायरस की। देखो, ओकरा का मेजर डिसीज कौन सी होता है? येलो वेन मोजेक, है ना, ये इसकी मेजर डिसीज है। सबसे ज़्यादा नुकसान इसी से होता है ना। तो अगर पूछ ले क्वेश्चन कि येलो वेन मोजेक डिसीज इज मेजर डिजीज फॉर विच क्रॉप, तो द राइट आंसर इज ओकरा। ओके, तो ये ध्यान में रखना। और ये फैलती कैसे है? वाइट फ्लाई से। वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है? बेमेशिया टेबेकाई, है ना। तो ये याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि येलो वेन मोजेक किससे होता है, येलो वेन किस में होता है। राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं सीड रेट में। देखिए, समर क्रॉप की सीड रेट क्या होगी? 15 से 20 किलोग्राम पर हेक्टेयर। और अगर रेनी सीजन की बात करें तो 10 से 12 किलोग्राम पर हेक्टेयर। देखो, मेन सीज़न हम इसलिए बात करते हैं कि जब भी किसी क्रॉप की जो मेन सीज़न होती है उस सीज़न में उसकी सीड रेट कम होती है। और ये भी होता है कि सीड रेट कम होती है, इसके अलावा उसकी यील्ड ज़्यादा होती है ना। तो ये मेन मेन सीज़न का ये फ़र्क पड़ता है। अगर बात करते हैं सीड जर्मिनेशन को एनहेंस कराना है तो ओकरा के सीड को लगभग 12 से 24 घंटे के लिए आप पानी में डुबो के रख दीजिए, या फिर उसमें GA3 का 10 से लगा के 50 PPM तक का उसमें कल्चर कर दीजिए। GA3 का 10 एवं 50 PPM का ट्रीटमेंट कर दीजिए 5 मिनट के लिए, तो आपके सीड जर्मिनेशन बढ़ जाएगा।
स्पेसिंग, अगर इस समर क्रॉप लगा रहे हैं तो उसमें स्पेसिंग रहेगी 30 बाई 15 सेंटीमीटर या 45 बाई 15 सेंटीमीटर, और अगर रेनी सीज़न है तो रेनी सीज़न में 60 बाई 20 सेंटीमीटर या 60 बाई 30 सेंटीमीटर, ये आप मेन फील्ड में क्रॉप लगाते हैं। सर हार्वेस्टिंग यील्ड एंड स्टोरेज, तो देखो हार्वेस्टिंग कब करना चाहिए, तो जनरली प्लांटिंग के 2 मंथ के बाद इसकी हार्वेस्टिंग होती है। फ्रूट साइज़ क्या होनी चाहिए, लगभग 6 सेंटीमीटर लॉन्ग फ्रूट होना चाहिए। आइडियल फ्रूट साइज़ क्या होती है, 6 सेंटीमीटर लॉन्ग है ना, तो ये भी ध्यान में रखना कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये ICAR नेट में पूछा गया है कि फ्रूट साइज़ क्या होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, जो कि एक्सपोर्ट के लिए भी आइडियल रहती है। अब अगर यील्ड की बात करें तो समर सीज़न में इसकी यील्ड रहेगी 80 से 100 क्विंटल पर हेक्टेयर, और जब इसकी मेन सीज़न की बात करते हैं जैसे कि रेनी सीज़न, तो इसमें इसकी यील्ड आ जाएगी 120 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। अब हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर स्टोरेज करना पड़ेगा तो स्टोरेज इतना इसका रहेगा 7 से 9 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग 70 से 75% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर इसको रखना पड़ेगा। इसको लगभग 2 सप्ताह के लिए 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रखा जा सकता है। तो अगर इसका टेम्परेचर पूछे स्टोरेज टेम्परेचर, तो देखना ये रेंज ऐसे ही आएगी 7 से लेके 10 तक, 7 से लेके 10 तक में पूरी क्रॉप को स्टोर किया जा सकता है कभी भी, राइट। तो ध्यान में रखना, यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्लांट प्रोटेक्शन से इसका इम्पोर्टेंट रोल है कि क्योंकि पाउडरी मिल्ड्यू पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ओकरा। तो पाउडरी मिल्ड्यू किस फंगस से होती है, तो ये होती है ओडियम एस्टेरिस पिनेसी, राइट। तो ये याद रखना कि ओडियम स्पीसीज से होती है। यहाँ पे आपको दूसरी भी दे देती है, एरीसाइफी भी दे देगा सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट, येलो वेन मोज़ेक वायरस, रूट रॉट। तो इसकी मेजर डिसीज कौन सी है, येलो वेन मोज़ेक वायरस। ये किससे होती है, वाइट फ्लाई वायरस से होती है। इस वायरस को फैलाता कौन है, वाइट फ्लाई फैलाता। वाइट फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है, बेमेशिया टेबेकाई। पाउडरी मिल्ड्यू के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया कि पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ ओकरा किससे होता है, तो ये होता है ओडियम स्पीसीज से होता है, ठीक है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट इंसेक्ट में, इंपॉर्टेंट इंसेक्ट कौन से है, फ्रूट बोरर। देखिए एक अपन ने ब्रिंजल में पढ़ा था शूट एंड फ्रूट बोरर, वही फ्रूट बोरर, शूट एंड फ्रूट बोरर इसमें भी लगता है और उसका भी साइंटिफिक नेम वही रहता है। फ्रूट इसमें भी आता है शूट एंड फ्रूट बोरर, तो आइलिस फाइटेला। फ्रूट बोरर भी लगता है इसमें हेलिकोवर्पा आर्मेजीरा, ये टोमेटो फ्रूट बोरर भी ये लगता है इसमें, राइट। इसके अलावा बीटल या ब्लिस्टर बीटर, वाइट फ्लाई, बेमेशिया टेबेकाई। बेमेशिया टेबेकाई क्या करता है, येलो वेन मोज़ेक को ट्रांसमिटेड करता है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आती है तीन इसमें से, पाउडर मिल्ड्यू किससे होता है, इसके अलावा वाइट फ्लाई क्या फैलाता है, तो येलो वेन मोज़ेक फैलाता है, और एक और निकल के आ जाता है इसी का उल्टा कि येलो वेन मोज़ेक मेजर डिसीज किसकी है, तो ओकरा की है, राइट। तो ये ध्यान में रखिएगा। और येलो वेन मोज़ेक कौन सी सीज़न में सबसे ज़्यादा रहती है, तो रेनी सीजन वाली क्रॉप में सबसे ज़्यादा आती है। नेक्स्ट आ जाते हैं वेराइटीज़ पे, वेराइटीज़ भी इसकी खास है ना, तो ये याद रखना, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, अर्का अभय, पूसा A4, वर्षा उपहार, हिसार उन्नत, हिसार नवीन, आज़ाद क्रांति, आज़ाद भिंडी, काशी प्रगति, काशी विभूति, काशी क्रांति, फूले उत्कर्ष, किरण, अरुणा, सस्थिरा, पूसा सावनी और वर्षा उपहार। ये वर्षा उपहार डबल हो चुकी है। इसमें से फेमस वेराइटी कौन कौन सी, पूसा सावनी, राइट, परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी, अर्का अनामिका, अर्का अभय, पूसा A4, वर्षा उपहार, ये इसकी फेमस वेराइटियाँ हैं, राइट। तो इनको आप कभी ना भूलें, ये ज़रूर आएंगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ये इसमें कुछ ब्रीडिंग एस्पेक्ट्स हैं। एबल मोस्कस ट्यूबरकुलेटस इज़ द एंसेस्टर ऑफ एबल मोस्कस एस्कुलेंटा, राइट। तो ये पूछा अभी तक तो नहीं गया है, लेकिन याद ज़रूर करना चाहिए कि एबल मोस्कस एस्कुलेंटा जो आज करती है उसके एंसेस्टर कौन था, तो एबल मोस्कस ट्यूबरकुलेटिस। पाउडरी मिल्ड्यू रेसिस्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी है, एबल मोस्कस टेट्राफिलस एंड एबल मोस्कस एंगुलोसस। इसके अलावा फ्यूजेरम विल्ट रेसिस्टेंट कौन सी वेराइटी है,
तो पूसा सावनी एंड पूसा मखमली, ये देखो खासियत है। पूसा सावनी क्या है? फ्यूजेरम विल्टर असिस्टेंट वेराइटी। पूसा मखमली फ्यूजेरम विल्टर असिस्टेंट वेराइटी है। सरकोस्पोरा लीफ स्पॉट रेसिस्टेंट स्पीसीज कौन कौन सी है? तो एबल मोस्कस क्रिनिटस एंड एबल मोस्कस मोस्चेटस, राइट। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, स्पेशली इसमें फ्यूजेरम विल्ट वाला ज़रूर याद होना चाहिए और पाउडर मिल्डी वाला स्पीसीज ज़रूर याद होना चाहिए। अब बात करते हैं रेसिस्टेंट टू येलो वेन मोज़ेक वायरस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। येलो वेन मोज़ेक वायरस के प्रति रेसिस्टेंट कौन कौन सी वेराइटी है? तो परभनी क्रांति, पंजाब पद्मिनी और एबल मस्कस मैनी हॉट स्पीसीज, राइट। तो ये ज़रूर याद करना चाहिए। अनादर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में है, ओकरा के फ्रूट को कैप्सूल कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉइंट भी है कि ओकरा फ्रूट इज कॉल्ड कैप्सूल, ये आ चुका है आईसीआर नेट में। इसके अलावा ओकरा में प्रोटोगाइनी पाई जाती है, ये आपको ज़रूर याद रखना चाहिए। प्रोटोगाइनी क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, फीमेल फ्लावर पहले आ जाता है एज़ कम्पेयर टू मेल फ्लावर के, राइट। तो प्रोटोगाइनी कहलाता है, अगर मेल फ्लावर पहले आ जाता है तो कहलाता है प्रोटो एंड्री। पूसा ए फोर, पूसा ए फोर, तो पूसा ए फोर जो वेराइटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए भी है क्योंकि यह रेसिस्टेंट जेसीट के प्रति है, एफिड के प्रति है, शूट एंड फ्रूट बोरल के प्रति रेसिस्टेंस शो करती है। इसके अलावा यह टॉलरेंट किसके लिए? येलो वेन मोज़ेक वायरस के लिए, राइट। तो जो मेजर इंसेक्ट है उसके प्रति रेसिस्टेंट है, और जो मेजर डिसीज है उसके प्रति ये टॉलरेंट है। तो ये अपने आप में एक बहुत खास वेराइटी होती है, पूसा ए फोर वेराइटी। ओके गाइस, इसके अलावा आपको जो भी कोई प्रॉब्लम हो प्लीज़ यूट्यूब पे कमेंट करिए, है ना, मुझे मैसेज करिए कि आप क्या चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और बेल आइकॉन पर ज़रूर दबाएं।